सिधौली कस्बे के अंतर्गत प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान और कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन। बाकी फालतू में किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, पूरी तरीके से प्रशासन सख्ती करे हुए बिल्कुल सर। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि सर जो है पूरी तरीके से सख्ती कर रहा है और यहाँ पे जो है किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। पूछा जा रहा है कहाँ जा रहा था। यहाँ पे जो है पूरा फोर्स जो है लगा हुआ है मैदा चौराहे पे, ये जो है पूरा प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। भैया आप लोग किसी को जाने दे रहे हैं? नहीं नहीं, फालतू में नहीं, फालतू में कोई नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पूरी तरीके से जैसा कि देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरीके से हर हाल में किसी को भी फालतू में नहीं घूमने दे रही है, ना किसी को फालतू में जाने दे रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास कहाँ जा रहे हैं पूछा जा रहा है या कुछ डॉक्टर या दवाई का लेना है, उन चीज़ों को लेके सिर्फ दिया भाई जाने दिया जा रहा है। कहाँ जा रहे भैया? तो नंबर होगा आपके पास गैस वाले का या कुछ है? नंबर को यहीं लाना है ना आप इनके वहाँ। अच्छा जी अच्छा, तो वहाँ घंटी उठा के लाना है आपको। अच्छा ठीक है सर, ठीक है जाइए जाइए सर, जाइए जाइए। जब घर में खाना ही नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन में बैठेंगे कैसे? इनका भी बात सही है, तो गैस ले लेंगे। हमारे भाई साहब जा रहे थे तो इनका भी ज़रूरी काम है, जो अभी चले गए हैं। और पूरी तरीके से देख रहे हैं लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है, यहाँ पे दुकानें चौराहा पूरा बंद है और यहाँ पे पूरा लॉकडाउन का पालन करा। कहाँ जा रहे थे आप? जरा हेलमेट हटाओ, हेलमेट हटाइए, मास्क लगा लो, मास्क लगा के ही बात है। कुछ लोग जो है सिर्फ घूमने के बहाने, दवाई का बहाना लेके घूमना चाह रहे हैं कि भ्रमण करना चाह रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिर्फ तफरी लेने के लिए लोग निकल रहे हैं और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। सिर्फ इनको ये पता है कि लॉकडाउन है फिर भी घूमने निकल लिए घर से, दवाई का बहाना करके घर से निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे थे भैया आप? किस काम से जा रहे थे? पर्चा है? पर्चा नहीं पता नहीं किसके वहाँ दवा लेने जा रहे हैं? तो नहीं लगे, क्या लगे साहब मेडिकल स्टोर पे? क्या दिक्कत है? सब दिक्कत हमको भैया, क्या दिक्कत हुई है जी बताएं, क्या दिक्कत है आपको, किस चीज़ की दवा लेने जा रहे हैं? दिक्कत हमका चल नहीं पा रहा, दोनों का प्रॉब्लम एक ही है। उनको हम भैया नहीं कह सकते जो हमारे हैं, देख रहे हैं सर वो हम बता रहे हैं जो ना किसी के पास पर्चा है ना किसी के पास दवाई का पता है कि कहाँ लेने जाना है। आप लोग भी देखिए, किसी को कुछ भी नहीं पता है लेकिन फिर भी ये लोग निकल रहे हैं, ना इनके पास दवाई का पर्चा है ना पता है कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, बस इनको निकल लिए, हेलमेट लगाया और टहलने के लिए निकल लिया है कि यहाँ पे देखना है कि प्रशासन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये प्रशासन को भी धोखा दे रहे हैं, लॉकडाउन तो लॉकडाउन है साथ में प्रशासन को भी धोखा दे रहे हैं। हेलमेट भी नहीं है इसका, कैसे काम चल रहा है? कितना हेलमेट भी नहीं है, गाड़ी मोड़ने का तरीका कुछ भी नहीं है इनके पास और ये लॉकडाउन में घूमने निकले हुए हैं। हेलमेट है आपके पास? कुछ नहीं है, यही रहते वाड़ी में सर। जाइए चलो जाइए वाड़ी को, चलो साहब नहीं नहीं जाइए, काम चलान होगा इसको जैसे होगा सारे हाथ से चला जाएगा। यहाँ पे सर ने चाबियाँ जमा कर ली हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सर ने चाबियाँ जमा कर ली हैं और इनको पैदल भेज दिया जा रहा है। अब ये घूमने की दोबारा गलती नहीं करेंगे, शायद ऐसे ना निकले दोबारा कभी, हो सकता ना घूमे, ये प्रशासन को जो है कमजोर समझ रहे थे।